इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन फर्स्ट क्लास। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है? अब देखो, रिकॉन्स्ट्रक्शन जो होता है ना, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली कंपनीज। कंपनी लोगों का जो भी एसेट होता है, लायबिलिटी होता है, उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन करवाना होता है, उसी को इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है। उसी को रिकॉन्स्ट्रक्शन कहलाता है। दिस रिकॉन्स्ट्रक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, कंपनी अपना एसेट लाइबिलिटी को बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम शेयर होल्डर्स दे ट्राई टू रिकॉन्स्ट्रक्ट देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल हो जाता है जब दो कंपनी ए प्लस बी आपस में मिलता है, मतलब एमलगमेशन। तो ये एमलगमेशन या टेकओवर्स विल बी रिगार्डेड एज एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन इज सेपरेटली देयर इन योर सिलेबस, तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, टुडे वी आर डीलिंग विद इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, उसको अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है? ओके, नाउ व्हाट इज द मेन मोटिव और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन? क्या होता है? कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज लॉस मेकिंग कंपनीज होता है। लॉस मेकिंग कंपनीज का मतलब बहुत सालों से, बहुत दिनों से वो लॉस में चल रहा है। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनकर्स लॉसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, इट इज क्वाइट ऑब्वियस द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कंसर्न ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट रिस्क। मतलब गोइंग कंसर्न होगा कि नहीं होगा, उसमें बहुत बड़ा डाउट आ जाता है। अब देखो, एक साल दो साल लॉस हुआ तो आप मेकअप कर सकते हो, दस साल से लॉस चल रहा है, आपको तो कुछ पैसा कमाना पड़ेगा। अगर आप कमा नहीं रहे हो तो आप खर्चा कहां से करोगे? कितना पैसा घर से लाओगे? तो नॉट पॉसिबल। तो लॉस मेकिंग कंपनीज अगर बहुत सालों से चलेगा, मतलब वो कंपनी का लीगल एग्जिस्टेंस बहुत रिस्क में आ जाता है। तो मतलब क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, लोन प्रोवाइडर, ये लोग आपको पैसा मांग मांग के थक जाता है, फिर भी आप उसको पैसा दे नहीं रहे हो। मतलब आप इच्छे से नहीं दे रहे हो, आपके पास पैसा देने का कैपेसिटी नहीं है। यू कांट पे देम। व्हाई यू कांट पे देम? बिकॉज यू डोंट हैव द मनी, यू हैव डोंट हैव द कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस। तो देयरफॉर द क्रेडिटर्स, द लायबिलिटीज फाइल अ केस अगेंस्ट द कंपनी। वो लोग कंपनी के ऊपर एक केस कर देता है कि बोलता है कोर्ट को कि ये ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों का पैसा वापस नहीं दे पा रहा है, ये लोग के पास पैसा देने का कोई कैपेसिटी है कि नहीं हमको पता नहीं है। कोर्ट को बोलता है आप एक काम कीजिए, मेरा पैसा रिटर्न करने का बंदोबस्त कर दीजिए। बंदोबस्त कैसे करोगे? आप इस कंपनी को बंद कीजिए, कंपनी का जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, इसको बेच डालिए, इसको बेच के जो भी पैसा आएगा हम लोगों को दे दीजिए। कौन बोला? क्रेडिटर्स। किसको बोला? कोर्ट को। कोर्ट क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेशन करेगा कंपनी को, उसका बैलेंस शीट को देखेगा, उसका ऑर्डर बुक को देखेगा, देखेगा कि उसका मार्केट कैसा है। कोर्ट भी देखता है, अरे यार इसका तो लास्ट 3-4 साल से कोई सेल ही नहीं हुआ, कोई कस्टमर ही नहीं है इसका, तो ये कंपनी को सर्वाइव करके क्या फायदा होगा, इसको बंद किया जाए। कोर्ट आपका कंपनी को बंद करने का डिसीजन, उसको वाइंडिंग अप बोलता है। पार्टनरशिप फर्म को बंद करता है तो डिसोल्यूशन बोलता है, तो वाइंडिंग अप का डिसीजन देने ही वाला था, वाइंडिंग अप का डिसीजन देने ही वाला था कि तब जाके आप रिक्वेस्ट किया, कंपनी ने रिक्वेस्ट किया कोर्ट को कि एक आखिरी मौका दिया जाए हम लोगों को, एक आखिरी मौका दीजिए, वी विल ट्राई टू रिवाइव आवर कंपनी।
और इफ वी फेल आप अपना हम लोग का कंपनी को बंद कर दीजिएगा. तो दैट पर्टिकुलर परमिशन टेकन बाय द कंपनीज फ्रॉम द कोर्ट इज नोन एज फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. वो अपना एसेट्स को बढ़ाने का कोशिश करेगा, लायबिलिटीज को घटाने का कोशिश करेगा. तो यानी कि रिकंस्ट्रक्शन करेगा, दिस इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. तो ये कौन करता है याद रखिएगा, ये लॉस मेकिंग कंपनीज करता है. ओके ओके सर. अब हम आपको यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को समझाएंगे कि कैसे कैसे वो लोग रिकंस्ट्रक्शन कर सकता है. सबसे पहले पॉइंट नंबर ए, सबडिविजन ऑफ शेयर कैपिटल. सपोज आपके पास 1000 शेयर था 100 ईच, तो टोटल कितना होता है 1,00,000 रुपया. सब डिविजन ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल समझो आपका 1000 शेयर था 100 रुपीज करके, उसको आपको बोला गया है टू बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज 10 ईच. मतलब 100,000 इंटू 100 था 1,00,000, उसको आपको 10 रुपया ईच करना है, मतलब नंबर ऑफ शेयर 10,000 हो जाएगा. तो पुराना इक्विटी शेयर कैपिटल को आप राइट ऑफ करोगे, कैपिटल क्रेडिट होता है, जब राइट ऑफ करोगे तो डेबिट हो जाएगा. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,00,000, कैसे आया 1000 × 100 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इंटू 10 हो जाता है एक एक शेयर, तो ऑब्वियसली 1,00,000 ही रहेगा आपका, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स विल नाउ बी इंक्रीज्ड. तो ये हो जाएगा 10,000 शेयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1,000 शेयर से मेरा शेयर 10,000 हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया लेकिन वैल्यू पर शेयर कम हो जाता है. दिस इज नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. से ये पहली बार हम लोग ऐसा एंट्री देखा, डेबिट में जो आइटम है क्रेडिट में वही आइटम है, नाम सेम हो सकता है बट उसका डिनोमिनेशन उसका ब्रेकअप अलग है. तो आपको ये एंट्री पास करना है व्हेनेवर देयर इज अ सबडिविजन. नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स, सर सबडिविजन क्यों करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट. देखो आप जब को सम मिलेगा ना, आपको डायरेक्टली बोलेगा द शेयर्स आर कन्वर्टेड, आपको एंट्री पास करना है जनरल, यहां पर सिर्फ जनरल्स करना है. आपको बोलेगा नहीं इसके पीछे का लॉजिक क्या, इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा. लॉजिक क्या है सर, इसके पीछे का लॉजिक है कि अगर मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाता है ना, तो 10,000 शेयर अभी हो गया, तो हम क्या करेगा, वहां से कुछ शेयर शेयर होल्डर से लेके क्रेडिटर्स को दे देगा. अब शेयर होल्डर क्यों देगा, अभी शेयर होल्डर ही तो मालिक है हम लोगों का. हम लोग मीटिंग में बोलेगा कि आप लोग को हमको कुछ शेयर वापस देना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर बोलेगा क्यों देंगे, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग देम इन कैश. कैश तो है नहीं हम लोगों के पास, तो हम लोग उसको शेयर दे देंगे. तो क्रेडिटर्स शेयर होल्डर बोलते हैं तो हम लोग राजी हो जाते हैं. तो इसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहलाता है. तो सब डिविजन करने का लॉजिक क्या है, सब डिविजन करने का लॉजिक है हम लोग शेयर होल्डर से कुछ शेयर वापस ले सकते हैं और वो शेयर्स क्रेडिटर्स को दे सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को दे सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं टू सेट ऑफ देयर ड्यूज. तो पॉइंट नंबर बी में लिखो, When shares are surrendered, शेयर सरेंडर करोगे तो क्या एंट्री होगा, शेयर सरेंडर करोगे तो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. से एग्जाम्पल दे रहा है, से 80% सरेंडर किया अपना, ठीक है ना, तो 1,10,000 शेयर था, 10,000 का 80% 8,000 हो जाता है, इंटू 10 80,000. टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी वेरी सॉरी, शेयर सरेंडर होगा, टू शेयर सरेंडर $80,000. सिंपल है एकदम, 1,00,000 में से 80,000 शेयर वापस ले लिया, तो शेयर होल्डर के पास कितना शेयर है 20,000. 80,000 शेयर हम लोग क्या करेंगे, 80,000 शेयर हम लोग अपना अपना डिबेंचर होल्डर अपना क्रेडिटर्स लोग को दे देंगे. तो वो क्वेश्चन में बोलेगा कि इसको कितना देना है, पहले तो आपको ये एंट्री समझना है. ओके सर. पॉइंट नंबर सी,
व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा एक सेकेंड ना, व्हेन पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिड्यूस्ड, मतलब पॉइंट नंबर ए में सब डिविजन हुआ, कोई घटा नहीं वैल्यू में, यहां पर आपका वैल्यू में घट गया। सर एक बार फिर से समझाइए, सपोज आपने अकेला 1 लाख का शेयर खरीदा फुल पेड, आप 1 लाख देके एकदम चैन के नींद घर में बैठे हो, आराम से बैठे हो कि कंपनी को मेरे को और कोई पैसा नहीं देना है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल मिला के यू हैव पेड योर ऑल ड्यूज टू द कंपनी। अब अचानक मीटिंग होता है, आपको मीटिंग में बुलाया जाता है, सबको सब शेयर होल्डर जाता है और बोलता है कंपनी का हालत बहुत बुरा है, कंपनी बंद हो सकता है, तो ये इसीलिए वी हैव टेकन परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाहता है, क्या आप लोग मेरे साथ हो? तब शेयर होल्डर बोलता है यस वी आर विथ यू ऑल, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट किया था हम लोग प्रॉफिट को घर लगे गए थे, अभी कंपनी का मुश्किल का हालत चल रहा है, तो वी विल ऑल सपोर्ट आवर कंपनी, शेयर होल्डर्स एग्रीड। तो उसी में एक पॉलिसी लेता है कंपनी कि जो भी शेयर होल्डर है जितना भी पैसा दिया है आपका वैल्यू 40% से रिड्यूस कर दिया जाएगा। सर मतलब अगर आपने पूरा अमाउंट दे दिया माना जाएगा आपने सिर्फ 60% दिया, 40% नहीं दिया, अब तो शेयर होल्डर गुस्सा हो जाएगा। आप सोचो ना, तुमको अगर बोला तुम्हारा 1 लाख रुपया दिया हुआ था, अब तुमको बोलता है सुनो ना तुमने ना सिर्फ 60,000 रुपया दिया, तुमको गुस्सा आएगा, एकदम गुस्सा आएगा, तुमको गाली देने को मन करेगा, क्या बात कर रहे हो, मैंने तो 1 लाख दे दिया अभी आप 60,000 क्यों बोल रहे हो। ये जो 40% का रिडक्शन हुआ क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी आप ही से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज आप लोग मेरे को कुछ कैश दे दीजिए, तो ये सब शेयर होल्डर लोग एग्री करेगा, वो 10% रिडक्शन और 20% रिडक्शन और व्हाटएवर इट इज दैट रिडक्शन अमाउंट आपसे हम लोग फिर से पैसा मांग लेंगे, क्यों आप ही से पैसा लेके क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देंगे। अगर आप नहीं दोगे, आप ही माई बाप हो, आप ही मालिक हो कंपनी का, अगर आप नहीं दोगे तो कंपनी बंद हो जाएगा। तो ये कोई पर्टिकुलर शेयर होल्डर के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता है, ये सब लोग डिसीजन लेता है मीटिंग में, देन ओनली ये पॉलिसीज लिया जाता है। तो रिडक्शन बोलता है तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 40% से कम हो गया है, मानो 1 लाख का था, तो जितना से कम होगा 40% वो आप डेबिट कर दोगे 40,000। टू टू में क्या डालेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डालोगे तो फिर से बढ़ जाएगा, तो क्या डालेंगे, शेयर सरेंडर ना, यहाँ तो शेयर सरेंडर नहीं हुआ, यहाँ पर पैसा बोला शॉर्टेज है आपका, आपसे शेयर वापस नहीं लिया गया, तो इसको हम लोग डालेंगे एक नया अकाउंट जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000। तो ये कैपिटल रिडक्शन में हम लोग जो जो प्रॉफिट कमाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके वो सब यहां पर डालेंगे, और डाल के एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वहां से पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट होगा जो भी हो। तो दिस इज द केस ओवर हियर। तो आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी, ये तीनों केस क्या आपको समझ में आया है, प्लीज रेस्पॉन्ड इन द चैट सेक्शन। व्हेन क्रेडिटर्स आर रिड्यूस्ड, ब्रैकेट में लिखो 30% एंड सेटल्ड द बैलेंस बाय इशूइंग शेयर्स फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट। ओके एवरी वन नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल से क्रेडिटर्स का बैलेंस 50,000 है, ठीक है, क्या बोला है, क्रेडिटर्स को 30% से घटाना है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, अच्छा 30% से घटाओगे यार, सेटल द व्हाट बैलेंस, मतलब पूरा पे ऑफ हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000
टू कैपिटल डिडक्शन, जितना से घटा है आपका 30% ऑफ 50,000, 15,000। टू, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, बाकी का जो 35,000 का है वो क्या बोला है, वो हम लोग शेयर सरेंडर से करेंगे। अब शेयर सरेंडर से अगर हम लोग शेयर इशू करेंगे, अब शेयर सरेंडर में जब शेयर आया था तब क्या जनरेट हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर हुआ था। अब इक्विटी शेयर शेयर सरेंडर से निकाला जाएगा तो ये रिवर्स एंट्री हो जाएगा। तो फिर आप लोग क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000, कैपिटल डिडक्शन में भी आप 50,000 डालोगे। और एक और एंट्री होगा शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,000। सर कैसे समझे, 50,000 का क्रेडिटर था, 15,000 में कुछ पेमेंट नहीं होगा तो बाकी के लिए शेयर सरेंडर से जाएगा। और यू कैन शो इट लाइक दिस वे, 30% से कुछ पेमेंट नहीं करना है, रिमेनिंग आपको 70% से देना है। आप बोलोगे सर कैपिटल डिडक्शन में 15,000 क्यों नहीं लिखा, अगर आप 15,000 डालोगे बाकी 35,000 का क्या करोगे, क्रेडिटर्स का तो डेबिट करना है, क्रेडिटर्स इज गॉन, 30% उसको नहीं चाहिए, 30% के लिए उसको इक्विटी शेयर मिल गया तो क्रेडिटर्स क्या हो गया, जीरो। तो क्रेडिटर्स का पूरा डेबिट करना है, तो पूरा डेबिट करोगे तो क्रेडिट में 15,000 का कैपिटल डिडक्शन में डालोगे, बाकी 35,000 क्या करोगे, उसको भी कैपिटल डिडक्शन करना है। अगर आप कहीं पर भी कुछ कंफ्यूज हो जाते हो कि क्रेडिट में क्या करना है या डेबिट में क्या करना है, उसको ऑलवेज कैपिटल डिडक्शन में बंद कर दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक बार रिस्पॉन्ड करो फिर आगे बढ़ेंगे। द क्रेडिटर्स हैज गिवन अस 30% डिस्काउंट फॉर दैट कैपिटल डिडक्शन में आएगा, दैट इज ऑल क्लियर फाइन, बट फॉर द रिमेनिंग 70% क्रेडिटर्स आर आस्किंग मनी। नो सर दे आर नॉट आस्किंग मनी, अगर पेमेंट करते तो हम लोग यहाँ लिख देते क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन टू बैंक। फॉर द रिमेनिंग 70% दे आर आस्किंग शेयर, आर यू इशूइंग द शेयर फ्रॉम योर ओन मार्केट फ्रेश इशू? नो सर, शेयर आर इशूड फ्रॉम शेयर सरेंडर अकाउंट। शेयर सरेंडर से जा रहा है, देयरफॉर आपको शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल करना ही पड़ेगा। लेट अस गो थ्रू द नेक्स्ट एंट्री तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर ई, क्रेडिटर्स ऑफ 50,000 गेव 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग बैलेंस 50,000 और सेटल्ड बाई पेमेंट ऑफ कैश। इसका एंट्री डायरेक्टली बता रहे हैं आपको, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल डिडक्शन टू कैपिटल डिडक्शन में 10% 5,000, और टू कैश में दोगे तो कैश अकाउंट, फ्रेश इशू करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंस वी आर नॉट इशूइंग द शेयर्स आउट ऑफ सरेंडर्ड शेयर्स, तो शेयर सरेंडर नहीं आया, शेयर सरेंडर नहीं आया तो हम लोग का यहाँ पर कैपिटल डिडक्शन में फुल अमाउंट नहीं आया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर द टू एंट्रीज एवरीवन।
बैलेंस शीट का लायबिलिटी में 12% डिबेंचर 1 लाख का दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 4000 दिया हुआ है, नीचे में बोलते हैं एडजस्टमेंट में द क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर रिड्यूस बाय 50%, 50% से डिबेंचर होल्डर को क्लेम को हम लोग रिड्यूस कर दिया है। तो सर रिमेनिंग 50% के बारे में क्या होगा? रिमेनिंग 50% के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो वी विल जस्ट सिंपली पास द एंट्रीज। क्या होगा क्लेम में, क्या क्या आता है? नॉर्मल डिबेंचर्स प्लस उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑल्सो। डेबेंचर आर लाइबिलिटी, राइट ऑफ होगा तो 12% डेबेंचर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन। डेबेंचर का 1 लाख का 50% 50,000, 4,000 का 50% 2,000, 52,000 पूरा कैपिटल डिडक्शन में आ जाएगा। कैश होता तो टू कैश होता, पेमेंट होता तो ठीक है। तो सिंपल सा था, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट में एफ हो गया जी नंबर। इफ दी एसेट्स आर ओवरवैल्यूड स्लैश लाइबिलिटीज आर अंडरवैल्यूड और राइट ऑफ ऑल इनटैंजिबल एसेट्स, तो आप इसका एंट्री क्या करोगे? पहले एंट्री समझा रहा है, फिर बोलेगा इसका मतलब क्या होता है। एसेट्स ज्यादा वैल्यू हो गया तो एसेट्स को घटाना पड़ेगा। टू एसेट्स फिक्स्ड एसेट फर्नीचर हो सकता है, मशीन हो सकता है, क्योंकि हमको बैलेंस शीट को एकदम करेक्ट वैल्यू में लाना है। अब मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि इंटरनल रिकंसेक्शन मतलब एसेट्स को ज्यादा करना, लाइबिलिटी को कम करना। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आप ये मत समझो कि सर एसेट्स को घटा क्यों रहे हो। एसेट्स बैलेंस शीट को हमको एकदम करेक्ट वैल्यू में लाना है, तो बाईस अगर एसेट्स ओवर वैल्यू है तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा घटाने के। तो टू एसेट्स, सपोज यू हैव नॉट रिकॉर्डेड योर लायबिलिटीज, आपका बैलेंस शीट गलत हो जाता है, तो लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो टू लायबिलिटीज। ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन अब इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या रहता है? पीएल डेबिट, पीएल डेबिट मतलब लॉस, ये मेरा रिजर्व एंड सरप्लस में माइनस में बैठता है, ये लॉस होता है। लॉस मेकिंग कंपनी है ना, तो लॉस मेकिंग कंपनी में तो लॉस का बैलेंस रहेगा ही। तो अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट को ठीक कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप लॉस को हटाओगे, तो लॉस को हटाओगे तो क्रेडिट हो जाता है। पीएल डेबिट इज एन एसेट, पहले पुराना फॉर्मेट में एसेट में बैठता था, अब लायबिलिटी साइड में नेगेटिव में बैठता है। तो लायबिलिटी साइड में नेगेटिव मतलब ही तो एसेट हो जाता है, तो एसेट को राइट ऑफ करोगे तो टू पीएल डेबिट। और क्या हो सकता है? टू गुडविल। गुडविल क्यों? अब बोलो तो गुडविल किसके ऊपर डिपेंड करता है? गुडविल डिपेंड करता है कंपनी का प्रॉफिट के ऊपर। अब लॉस मेकिंग कंपनी का गुडविल कहां से आएगा? तो अगर आपका बैलेंस शीट में गुडविल है तो वो सरासर गलत है, तुमको ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। तो अगर गुडविल आ गया तो हमको गुडविल को हटाना पड़ेगा। तो दस ये सब चीज मतलब पीएल लॉस और गुडविल के बारे में अगर कुछ बोला भी नहीं है, आपको याद रखना राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ये जो जो वैल्यू में राइट ऑफ करना है वो वैल्यू को यहां डाल के डेबिट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। Got it everybody? लिखो H number waiving of arrears of preference dividend। अब arrears मतलब बाकी और preference dividend मतलब preference dividend तभी दिया जाता है जब आपके पास profit होता है। तो since आपका loss making company है, बहुत सालों से आपका profit नहीं हुआ, it is quite obvious आपका company preference dividend नहीं दे पाया। Since you have been not being able to pay your preference dividend, तो ये arrear होता जाता है। अब कैन एनी वन टेल मी चैट सेक्शन में arrears of preference dividend
बैलेंस शीट में कहां पर शो करते हैं हम लोग पार्टिसिपेट्स? एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नथिंग बट कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होता है? जो डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट। मतलब अगर आपका पैसा हुआ, प्रॉफिट हुआ, देन ओनली आपके ये लाइबिलिटी राइज होगा। अगर जिंदगी में कभी प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको पेमेंट नहीं करना है। देयरफॉर ये मेरा लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते नहीं है। सिंस यू आर नॉट राइटिंग दिस थिंग इन योर बैलेंस शीट, तो इसका राइट ऑफ का एंट्री क्यों करोगे? तो जब ये राइट ऑफ हो जाएगा, नो एंट्री शैल बी पास्ड, बिकॉज बैलेंस शीट में ये आता ही नहीं है। आई होप यू विल रिमेंबर ऑल, इट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी, तो इसका राइट ऑफ में कोई एंट्री नहीं होता है। बट यही चीज अगर एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, लाइक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो मेरा लाइबिलिटी साइड में आता है, तो उसको राइट ऑफ करोगे तो डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन। गॉट इट एवरीबॉडी? प्लीज रिवाइज लास्ट में सिर्फ एक लिख लेना, एनी बैलेंस इन कैपिटल डिडक्शन विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। वन मोर थिंग, शेयर सरेंडर वाला में एक बार आ जाओ। अब देखोगे पॉइंट नंबर बी में मैंने बोला था जब शेयर सरेंडर होता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर किए थे। फिर उस शेयर सरेंडर से जब इक्विटी शेयर फिर से इशू हुआ तो शेयर सरेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल हुआ था। यहां पर था वैल्यू 80,000 सरेंडर का और यहां पर एक एग्जाम्पल था जहां पर 35,000 सरेंडर था। तो 80,000 में से सरेंडर 35,000 डेबिट हो चुका, 80,000 में से शेयर सरेंडर 35,000 डेबिट हो चुका, रिमेनिंग कितना बाकी है? रिमेनिंग 45,000 का शेयर सरेंडर होना अभी भी बाकी है, मतलब सरेंडर हो चुका, फ्रेश इश्यू होना बाकी है सरेंडर से। तो अगर आपका सम ओवर हो जाता है और कुछ नहीं होता है, सरेंडर का कुछ भी अगर बैलेंस रह जाता है, तो लिखो यहां पर पॉइंट नंबर आई, एनी बैलेंस इन शेयर सरेंडर अकाउंट शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल डिडक्शन। ऑलवेज याद रखना, कैपिटल डिडक्शन क्रेडिट होना मतलब प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया है। कैपिटल डिडक्शन डेबिट होना मतलब लॉस हो रहा है। तो जनरली इंटरनल रिकंसेशन करने का मकसद ही वही है हम लोगों का कि कैपिटल डिडक्शन में बैलेंस ज्यादा हो। तो कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट बैलेंस जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है हम लोगों के लिए। ओके सर, नेक्स्ट। लास्ट में एनी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट will be transferred to capital reserve account. Capital deduction का credit balance ही होगा, तो capital deduction account debit to capital reserve. कुछ भी अगर बैलेंस कैपिटल टोटल करोगे, कैपिटल डिडक्शन का टोटल करने के बाद जो क्रेडिट बैलेंस आएगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। ओके एवरीबॉडी, तो नाउ आई विल बी गिविंग यू वन सम। पहले यहां तक एक बार जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर टू, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 6 लाख। उसके बाद बोलता है 4,009% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 4 लाख।
ट्रेड पेएबल 6 लाख, ठीक है, एडजस्टमेंट्स, इक्विटी शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, तो पहले भी 6 लाख था, अभी भी 6 लाख हो रहा है, सिर्फ ब्रेकअप बदल रहा है। तो ये एंट्री मैंने आपको पहले लिखवाया था, क्या होगा इसका एंट्री, लिख लीजिए पॉइंट नंबर ए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख, पहले भी था, अभी भी 6 लाख, सिर्फ अभी का ब्रेकअप क्या हो जाएगा, 3 लाख इंटू 2, पहले था 60,000 शेयर, अभी हो गया 3 लाख शेयर, सब डिविजन कर दिए हम लोगों ने। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एंड देन द इक्विटी शेयर आर टू बी सरेंडर टू द कंपनी 90% ऑफ द होल्डिंग। तो फिर पॉइंट नंबर बी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सरेंडर 6 लाख का 90%, 5 लाख 40। If you want to show in the bracket, you can show it like 2,70,000 shares into 2. Next entry में जाएगा हम लोग, point number A is done. Point number B, preference shareholders agree to forego their right to arrears of dividend. Preference share का arrears of dividend मतलब contingent liability. तो वो छोड़ दिया तो छोड़ने दो, कोई एंट्री नहीं करना है, सिर्फ उसका 9% प्रेफरेंस शेयर को 10% प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया है तो उसका एंट्री पास करना है। तो क्या होगा एंट्री, 9% को डेबिट करो, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना था 4 लाख, सिर्फ परसेंटेज बदल गया, वैल्यू सेम है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा, परसेंटेज की बदल के क्या फायदा हुआ, पहले उन लोग को देखो प्रेफरेंस शेयर को बोला देखिए हम लोग आपको डिविडेंड अभी दे नहीं पाएंगे, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं ठीक है हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि आप जब नेक्स्ट ईयर से दोगे मेरे को डिविडेंड, यू विल हैव टू पे मी डिविडेंड एट द रेट 10% पर एनम। तो ये वो लोग बोलता है कि वी विल बी एग्रीइंग टू योर टर्म्स एंड कंडीशंस, सिर्फ एक ही चीज है 10% कर दीजिए बस, तो 9% को हटाया 10% कर दिया और कुछ नहीं करना यहां पर। पॉइंट नंबर सी, ट्रेड पेएबल एग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/5 इन कंसिडरेशन of their getting shares of 70,000 out of share surrendered. Creditors अपना पैसा सरेंडर कर दे, मतलब creditors अपना क्या बोलता है, मतलब dues को कम कर दे रहे, वो अपना पैसा कम लेना चाहता है, बट बदले में वो क्या कर रहा है, बदले में उसको इक्विटी शेयर चाहिए, वो इक्विटी शेयर हम लोग कहां से दे रहे, फ्रेश इशू नहीं, वी आर पेइंग देम आउट ऑफ सरेंडर, सरेंडर से पे ऑफ करोगे तो सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल तो जरूर होगा। तो पहले तो शेयर कैपिटल को कैंसिल ऑफ करो, वन फिफ्थ ऑफ 6 लाख, तो ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, 6 लाख का 1/5 कितना आ रहा है, 1,20,000, यस, और शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट
सॉरी, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 इंटू एक एक शेयर का दाम कितना है अभी? 2 रुपया करके 1,40,000। व्हाट इज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस थिंग? लास्ट में शेयर सरेंडर का जितना भी बैलेंस है वो आप कैपिटल रिडक्शन में डाल दीजिए। कितना था सरेंडर में? 5,40,000। 5,40,000 माइनस 1,40,000 कितना हो जाता है? 4 लाख। और एकदम लास्ट में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन कहां पर था? कहां पर था? कहां पर था? कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही जगह में, तो 4 लाख का कैपिटल रिजर्व में भी आ जाता है। दिस कंप्लीट दिस सम। एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू। इफ एनीबॉडी हैव एनी क्वेरीज फील फ्री टू आस्क मी। इक्विटी शेयर कैपिटल नोट वन में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दे दिए। रिजर्व एंड सरप्लस नोट टू जनरल रिजर्व, देखो पीएल नेगेटिव में दिया हुआ है 4,25,000 नेगेटिव, मतलब लॉस, ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी। नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, ट्रेड पेएबल से, फिक्स एसेट्स से, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। डायरेक्टर्स डिसाइडेड अपॉन अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन विद रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड इट इज अप्रूव्ड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पॉइंट नंबर, एक्चुअली नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गया। पॉइंट नंबर ए, इक्विटी आर टू बी कन्वर्टेड इन टू सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ सच फेस वैल्यू एज टू रिड्यूस द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल बाई 30%। मतलब हम लोगों का फेस वैल्यू कम करना है। सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर सेम रहेगा, फेस वैल्यू कम करोगे ताकि उसका पेड अप वैल्यू 30% से कम हो जाए। तो फिर इसका एंट्री क्या होगा लिख लो आप। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 लाख का था तो उसको पहले 6 लाख लिखो। 10 रुपया करके था उसको 70% बनाना है, 30% से घटाना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन ओके एवरीबॉडी, आई होप दिस इज क्लियर। पॉइंट नंबर सी, प्रेफरेंशियल शुड बी कन्वर्टेड इनटू सेम नंबर जिसका 60 ईच हो जाएगा। तो पहले जितना था उतना ही रहेगा नंबर, मतलब पहले 3,00,000 by 100 मतलब 3,000 शेयर था उसी को रखेंगे। 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल। अच्छा एक काम कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो या फिर हम एक और एंट्री दिखा रहे हैं वैसे भी कर सकते हो, दोनों ठीक है। डायरेक्ट घटा के लिखो 60 रुपीज ईच करना है तो 40 रुपीज से घटेगा। 3,000 × 40 1,20,000। 3 लाख का 40% कितना होता है? 1,20,000 टू कैपिटल रिडक्शन में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? दोनों सेम है, ए और बी दोनों का इफेक्ट सेम है। पॉइंट नंबर डी, बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज इन फुल। तो पॉइंट नंबर सी में जनरल रिजर्व का बैलेंस को यूटिलाइज करने बोला, तो 2,50,000 इसको डेबिट करोगे जनरल रिजर्व। रिजर्व से पैसा ले रहा है रिकंस्ट्रक्शन में डालने के लिए टू कैपिटल रिडक्शन 2,50,000।
2,50,000 debentures to be converted into such number of 8% debenture of 50 each as to generate the same amount of interest as before. This is very important. Please go through point number E once. क्या बोल रहे हैं यहां पर? डिबेंचर्स पहले का इंटरेस्ट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो वहां पर आपको मिलेगा 6% करके इंटरेस्ट का, और अभी आपको बोला है हाँ 8% करना है, सो एज टू जेनरेट सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज बिफोर। तो पहले 1,00,000 का 6% हुआ करता था, तो 1,00,000 का 6% मतलब 6,000 इंटरेस्ट हुआ करता था, और अभी भी आपको सेम इंटरेस्ट करने बोला है, तो क्या करोगे? उसके लिए आप सिंपली ये एंट्री पास करो, पॉइंट नंबर डी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना था? 1,00,000। ना एक बात बोलो, अगर आपका भी इंटरेस्ट सेम रखोगे, 8% करना है, तो डिबेंचर का वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली कम होगा। तो कितना होगा सर? 6,000 का इंटरेस्ट कमाना है, डिवाइडेड बाय 8% करोगे तो 100% का वैल्यू आ जाता है, विच इज कमिंग टू 6,000 डिवाइडेड बाय 8%, 75,000 का डिबेंचर। क्रॉस चेक करो, 75,000 के ऊपर 8% करो, देखो 6,000 आ रहा है। तो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट को सेम रखना है, सिर्फ 8% कर दिया मैंने, तो अभी डिबेंचर 1,00,000 से 75,000 हो जाएगा, तो मेरा इंटरेस्ट सेम रहेगा। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 25,000? उसके लिए टू कैपिटल रिडक्शन। गॉट इट एवरीवन? इफ फिक्स एसेट्स इन्वेंटरीज रिड्यूस बाय 276,000, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कभी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो ये इग्नोर हो जाएगा कंटिजेंट लायबिलिटी, बट बैलेंस ऑफ पीएल आल्सो टू बी रिटन ऑफ। पीएल का बैलेंस कितना था? 4,25,000, और फिक्स एसेट्स, ये सब एसेट्स राइट ऑफ करोगे तो एक ही बार में कर लेते हैं हम लोग, तो क्या एंट्री होगा सर? एंट्री होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, पॉइंट नंबर ई, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएल ब्रैकेट में डेबिट 4,25,000, और क्या बोला था क्वेश्चन में? फिक्स एसेट्स 2,76,000। देखो बाई है, कितना से घट रहा है वो देखना है, तो फिक्स एसेट्स घट रहा है मेरा 2,76,000 से, और इन्वेंटरीज 19,000। Submit up. ₹4,25,000 plus ₹2,76,000 plus ₹19,000. ₹7,20,000. Is this okay, everyone? Simple, eh? So we have merged point number F and point number G एक साथ में, ठीक है? अब point number H में last में कुछ बोलता है। The following are to be given effect to recorded unrecorded debtors. Debtors record नहीं किया हम लोग, तो record करोगे, assets बढ़ेगा, तो debtors account debit to capital reduction. Unrecorded payment to payable, payment हो रहा है तो trade payable to cash or bank. Reconstruction expense हम बता रहे क्या होगा, देखिए सर, पहले तो unrecorded debtors, debtors account debit to, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा, तो capital reduction डाल दो। कितने का डेटर्स हम लोगों का? 1,67,000। फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स स्टेट पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना पेमेंट हुआ था? 40,000।
कैपिटल डिडक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, कैश बैंक होगा। अगर सिर्फ वो कम कर देता, डिस्काउंट दे देता आपको, तो टू कैपिटल डिडक्शन होता, टू कैश स्लैश बैंक। रिकॉन्स्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट, तो ये एक्सपेंस है तो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दो। कैप रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक 5750। अब ऑल आर डन, कुछ सरेंडर था यहां पर? नो सर, नो सरेंडर वॉज देयर। आप सिर्फ कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस निकालो, निकाल के उसको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। प्लीज कैलकुलेट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन एवरीवन। लास्ट एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 16,250 बैलेंसिंग फिगर। ओके एवरीवन, सो दैट विल बी एनफ फॉर द फर्स्ट क्लास। आई विल बी सेंडिंग यू वन होमवर्क, अभी आप आराम से करके मेरे को भेज दीजिएगा। किसी को भी कोई भी डाउट है यहां पर पूछ लो, आई विल बी सेंडिंग दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Thank you everybody. Bye bye.